न्यूज़वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। ओमिक्रॉन वेरिएंट से विश्व थर्रा गया है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन दिनों देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक गहरी चिंता बनी हुई है। वहीं अब इस खतरे से निपटने के लिए ब्रिटेन की ओर से G7 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों की आपात बैठक बुलाई गई है, जिसमें ओमिक्रॉन के फैसले और उसमें रोकथाम के उपायों पर चर्चा की जाएगी। वहीं इस नए वायरस को लेकर केंद्र ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को COVID-19 की टेस्टिंग बढ़ाने, स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे और जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। वहीं ये खतरनाक वेरिएंट क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी हम नजर डालेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि इस वेरिएंट की वजह से विश्व भर में हाहाकार मचा हुआ है। तमाम ऐसे देश हैं जो इससे जूझ रहे हैं, पूरा यूरोप इससे जूझ रहा है। हालांकि भारत में अब तक ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो डर है, जो दहशत है भारत में, वो भी बनी हुई है। तो चलिए GF के माध्यम से नजर डालते हैं कि आखिर ये नया वेरिएंट क्या है, क्या है ये नया वेरिएंट। इसके मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट में कई स्पाइक प्रोटीन म्यूटेशन है और काफी ज्यादा संक्रामक है। ये वेरिएंट इम्यूनिटी को तेजी से मात देने में कुशल है। इसमें P681H और N679K जैसे म्यूटेशन भी हुए हैं जो अल्फा और गामा जैसे वेरिएंट में पाए जा चुके हैं। ये वेरिएंट वायरस के अन्य वेरिएंटों की तुलना में अधिक संक्रामक और खतरनाक साबित हो सकता है। तो ये नया वेरिएंट क्या है, हमने आपको बताया है। आगे इसके लक्षण क्या हो सकते हैं और किस तरह से आप इसका पता लगा सकते हैं, वो भी आपको बताएंगे। तो इसके लक्षण क्या है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं GFX के माध्यम से। दक्षिण अफ्रीका की राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान यानी कि NICD ने कहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने पर कोई असामान्य लक्षण नहीं बताया गया है। यानी कि डेल्टा की तरह ही ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए कुछ लोग भी एसिम्प्टोमेटिक्स थे, यानी कि उनमें कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो WHO ने बताया कि SARS-CoV-2 PCR इस वेरिएंट की पहचान करने में सक्षम है और इस नए वेरिएंट को देखते हुए भारत भी सतर्क हो गया है, जिसके चलते मुंबई में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में रहना होगा और टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। तो ये इसके लक्षण हो सकते हैं। जैसे डेल्टा वेरिएंट समझ में नहीं आया था शुरुआत में, वैसे ही ये ओमिक्रॉन भी समझ में नहीं आ रहा है। यानी कि अगर आप इससे संक्रमित होते हैं तो आपको लक्षण पता करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। इसके क्या उपाय हो सकते हैं, क्या सलाह दी जा रही है, वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके क्या उपाय हैं वो भी जान लीजिए। वैक्सीनेशन की दोनों खुराक लेने पर विशेष तौर से ध्यान दें ताकि इम्यूनिटी मजबूत हो सके। फिर से वही बात है, इम्यूनिटी को मजबूत करना बेहद जरूरी है। लोगों को कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करने के लिए प्रेरित करें ताकि नए वेरिएंट का प्रभाव कम से कम हो सके। पिछली बार की तरह इस बार लापरवाही नहीं बरतनी है। बाहर से आने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग पर विशेष ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग कराएं। जितनी ज्यादा टेस्टिंग होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। ये पता चल पाएगा कि आखिर कोई भी शख्स इस नए वेरिएंट से संक्रमित तो नहीं है। तो ये उपाय थे, नया वेरिएंट क्या है ये आपने समझा है, कितना खतरनाक है, इसके लक्षण क्या है ये आपने जाना है। लेकिन अब भारत सरकार इस पर किस तरह से अमल कर रही है, राज्य सरकारों को, केंद्र शासित प्रदेशों को किस तरह के दिशा निर्देश दिए हैं, ये जानना भी जरूरी है। कुछ देर में मेरे जो सहयोगी हैं वो अलग अलग जगह से, अलग अलग राज्यों से जुड़ेंगे, उनका भी हम रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन की वजह से जो चिंता है वो पूरी दुनिया की बढ़ गई है। भारत में अगर देखा जाए तो जब कोरोना वायरस आया था तो तब इसको सीरियस नहीं लिया गया था, लेकिन जैसे जैसे इसके मामले बढ़ते गए इतना गंभीर, इतना खतरनाक हो गया कि लॉकडाउन जैसा, संपूर्ण लॉकडाउन जैसा कदम जो है वो भारत सरकार को उठाना पड़ा, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर काफी ज्यादा असर पड़ा था, जिंदगी थम गई थी, लोगों का कामकाज छिन गया था। इसके बाद फिर दूसरी लहर की अगर मैं बात करूं 2021 में मार्च में आखिर में आई, तब भी हम समझ नहीं पाए क्योंकि हम लापरवाह हो गए। हमें लगा कि एक बार कोरोना आया है दोबारा नहीं आएगा, इसके नए वेरिएंट नहीं आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ और नए नए वेरिएंट की वजह से काफी ज्यादा परेशानियां होती हुई हमें नजर आई हैं। तो मध्य प्रदेश दीपक श्रीवास्तव
और उत्तराखंड से सुभाष कौर मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं उत्तराखंड का रुख करूंगी क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से नई गाइडलाइन सामने आई है। सुभाष, अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो आरटीपीसीआर बेहद जरूरी है अगर कोई भी वहां पर टूरिस्ट जाता है, चाहे वो विदेशी हो चाहे वो स्वदेशी हो। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना का नया वायरस ये कहा जा सकता है कि देखा गया, और उसके बाद खासतौर से उत्तराखंड में जिस तरीके से कोरोना के जो मरीजों की संख्या में एकदम से इजाफा हुआ है, तो ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं सतर्क जरूर नजर आ रही है। और सरकार ने एक बड़ा फैसला भी लिया है और सभी जिला अधिकारियों और सभी पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया है कि वो अलर्ट पे रहें, लोगों को जागरूक करें, और खासतौर से जिन बाजारों में लोग बहुत अधिक संख्या में आ रहे हैं वहाँ सोशल डिस्टेंस और मास्क का पालन लोगों से कराया जाए। इसके साथ ही जो बिना मास्क के पाया जाता है उन पर जुर्माना भी किया जाए। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहली लहर और दूसरी लहर में बड़ा खामियाजा उत्तराखंड को भुगतना पड़ा था, लोगों को बैठक की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, लोग काफी परेशान नजर आ रहे थे, ऐसी व्यवस्था ऐसी स्थिति दोबारा ना बने उसको लेकर सरकार सतर्क है और सरकार ने इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी की है। देखिए, अब यहाँ पर कोई कुंभ नहीं होने वाला है, इसके अलावा जो चारधाम यात्रा है वो भी शीतकाल के लिए जो है वो बंद हो चुकी है, तो ऐसे में अब कोई मौका नहीं है, सरकार कोई भी मौका नहीं ढूंढ सकती कि ये था इस वजह से संक्रमण बढ़ा है। अब सरकार को मजबूत कदम उठाने की जरूरत है क्योंकि उत्तराखंड में एक बार फिर से जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, और अब जो यूरोप में नया ओमिक्रॉन आ गया है, नया वेरियंट, वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहा है। तो उत्तराखंड सरकार कितनी ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है, लोग कितने जागरूक है, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, क्या वो तेजी नजर आ रही है? जी बिल्कुल काजल, जैसे आपने कहा कुंभ और चारधाम यात्रा उत्तराखंड में नहीं है, लेकिन इससे भी बड़ा एक कहा जा सकता है महोत्सव उत्तराखंड में जरूर अब होने वाला है 2022 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव के समय में ये खासतौर से जो राजनीतिक दल है, चाहे वो बीजेपी सरकार के हो, कांग्रेस सरकार के हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर कोई अन्य दल, वो एक बड़ी जनसभाएं करते हैं, बड़ी रैलियां करते हैं, ये कहा जा सकता है चुनावी माहौल में उत्तराखंड चलता, और ऐसे में कोरोना की एंट्री उत्तराखंड में अगर होती है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम। सुभाष, आपकी बात बिल्कुल ठीक है और चिंता बेहद है क्योंकि 2022 का जो चुनाव है उत्तराखंड में वो बेहद नजदीक है, ऐसे में बड़ी बड़ी रैलियां बड़ी बड़ी जनसभाएं होती हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है और खासकर की सरकार को इस बात का ध्यान रखना है कि ये चीजें ना हो, और हो तो व्यवस्थित तरीके से हो। सुभाष, मैं आपका रुख करूंगी, आप मेरे साथ बने रहिए। मध्य प्रदेश दीपक श्रीवास्तव भी मेरे साथ बने हुए हैं। दीपक, अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो किस तरह की गाइडलाइंस यहाँ पर जारी की गई है, राज्य सरकार किस तरह से अलर्ट होकर काम कर रही है? दीपक, मेरी आवाज आ रही है क्या? दीपक, मेरी आवाज आ रही है क्या? दीपक, मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो दीपक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुभाष लगातार मेरे साथ बने हुए उत्तराखंड से। सुभाष, आगे अब क्या कोई रणनीति तैयार करेगी राज्य सरकार, क्या कोई बैठक हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से G7 देशों की बैठक जो है वो होने वाली है, तो क्या भारत में भी तमाम राज्यों की बैठक हो सकती है? तमाम जो स्थान है, तमाम वो स्थान, जिन स्थानों में कोई भी कोरोना पॉजिटिव पाया जाए किया जाए, उस स्थान में सैनिटाइजर किया जाए, और खासतौर से बड़ी चीज ये है कि सैनिटाइज फिर से पूरे शहर को किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के समय में नगर निगम की भी एक अहम भूमिका रही थी, नगर निगम के समय में नगर निगम पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा रहा है। दीपक के साथ बने हुए, दीपक आवाज आ रही है मेरी? तो दीपक तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई। सुभाष, आप कंटिन्यू कीजिए, आप कुछ बता रहे थे कि सैनिटाइजेशन का जो काम है वो लगातार किया जा रहा है प्रदेश में एक बार फिर से अलग अलग इलाकों में किया जा रहा है, लेकिन बड़ी चीज ये है कि इस कोरोना के समय में किस तरीके से प्रदेश को बचाया जाए, क्योंकि उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है और पहाड़ में उस तरीके की सुख सुविधाएं यानी कि स्वास्थ्य को लेकर नहीं है, तो ऐसे में यदि इस तरीके की स्थिति बनती है तो सभी लोगों को राजधानी देहरादून का रुख करना पड़ता है, हरिद्वार का रुख करना पड़ता है, उधम सिंह नगर हल्द्वानी जैसे शहरों का रुख करना पड़ता है, और इन शहरों में कहा जा सकता है कि बड़े अस्पताल हैं, बड़ी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उन अस्पतालों में बेड की व्यवस्था पूरी नहीं हो पाती। पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो ये वेरिएंट कितना खतरनाक है हमने जाना है, और
भारत में किस तरह से आगे तैयारियां की जा रही हैं इसको रोकने के लिए, इसकी रोकथाम के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये भी हमने जाना है। उत्तराखंड में भी तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो ओमिक्रॉन ने चिंता बढ़ा दी है और चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि जब डेल्टा वेरिएंट आया था तो भारत में ऑक्सीजन की भारी किल्लत की वजह से कई लोगों की जान चली गई थी और आफत का माहौल जो है वो देखने के लिए मिला था। तो ऐसे में दोबारा ये चीजें ना हो इस वजह से बड़ा फैसला लिया जा सकता है आने वाले समय में इसको लेकर, क्योंकि ये बेहद ही खतरनाक नजर आ रहा है।